रात भर तो नहीं खेल दिया यथाशक्ति जागरण पूर्वक उमा महेश्वर पूजन अहम कारी से चढ़ा दीजिए वहीं पर रख दीजिए। शिव जी को प्रणाम कीजिए। मंदार माला कुल ताल कायी कापाल मालां कितसे करायै दिगंबरायै च दिगंबरायै। पूजा करने के बाद कथा को सुने। सुत जी कहते हैं मंदार की माला से जिन पार्वती जी का केश पास अलंकृत है और मुंडों की माला से जिन शिव जी की जटा अलंकृत है, जो पार्वती जी दिन वस्त्र धारण की है और जो शिव जी दिगंबर नंगे हैं, ऐसे श्री पार्वती जी तथा शिव जी को प्रणाम करता हूँ। रमणी कैलाश पर्वत के शिखर पर बैठी हुई श्री पार्वती जी कहती है हे महेश्वर है, हमें कोई गुप्त या व्रत या पूजन बताइए जो सब धर्मों से सरल हो, जिसमें परिश्रम भी कम करना पड़े लेकिन फल अधिक मिले। हे नाथ, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो यह विधान बताइए। हे प्रभु, जिस तप व्रत या दान से आदि मद अंत रहित आप जैसे महाप्रभु हमको प्राप्त हुए हैं। शिव जी बोले हे देवी सुनो, मैं तुमको एक ऐसा व्रत जो मेरा सर्वस्व और छुपाने योग्य है लेकिन तुम्हारे प्रेम के वशीभूत होकर मैं तुम्हें बतलाता हूँ। शिव जी ने कहा भारतवर्ष में जैसे नक्षत्रों में चंद्रमा, ग्रहों में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण, देवताओं में विष्णु भगवान, नदियों में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में सामवेद और इंद्रियों में मन श्रेष्ठ है। सब पुराण और वेदों का सर्वस्व जिस तरह कहा गया है मैं तुम्हें एक तरह से इन व्रत बतलाता हूँ। एकाग्र मन से सुनो, जिस व्रत के प्रभाव से तुमने मेरा आधा आसन प्राप्त किया है वह मैं तुमको बतलाऊंगा, क्योंकि तुम मेरी प्रेमसी हो। भाद्रपद मास में हस्म शस्त्र युक्त शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को अनुष्ठान मात्र करने से स्त्रिया सब पापों से मुक्त हो जाती है। हे देवी, तुमने आज से बहुत दिन पहले हिमालय पर्वत पर इस व्रत को किया था, यह वृतांत मैं तुमसे कहूँगा। पार्वती जी ने पूछा हे नाथ, मैंने क्यों यह व्रत किया था, यह सब आपके मुख से सुनना चाहती हूँ। उत्तर की एक बड़ा रमणीक और पर्वत वशिष्ठ हनुमान नामक पर्वत है, उनके आसपास त्रात्रय की भूमिया है, त्रात्रय के विश्व उस पर लगे हुए हैं, नाना प्रकार के पक्षी अनेक प्रकार के पशु उस पर निवास करते हैं। वहाँ पहुंचकर गंधर्व के साथ बहुत से देवता सिद्धि आचरण पक्षीगण सर्वत प्रसन्न मन से विचरते हैं। वहाँ पहुंचकर गंधर्व गाते हैं अप्सराएं नाचती की है। उस पर्वत राज के कितने ही शिखर ऐसे हैं जिनमें स्फटिक और वैदुमणि आदि की खाने भरी है। यह पर्वत ऊंचा तो इतना अधिक है कि मित्र के घर की तरह समझकर आकाश का स्पर्श किए रहता है। उनके समस्त तटदय हिम प्रकार से आच्छादित रहती है, गंगा जल की ध्वनि सदा सुनाई देती रहती है। हे पार्वती, तुमने बाल काल में उसी पर्वत के 12 वर्ष तक उल्टी टांग केवल धुआं पीकर रही, 64 वर्षों तक सूखे पत्ते खाकर रही, माघ मास में दोपहरिया में जल में बढ़ती रहती, बैसाख की दोपहरिया में पंचांगनी तापती थी, श्रावण के महीने में जल वर्षा तुम भूख के आशी जाकर मैदान में बैठी जाती थी।